हाँ तो यार भाई लोग, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको सुनने के बाद आप लोग भारी मात्रा में ऑफेंड होंगे, एंड स्पेशली लड़कियों, तुम बहुत ज्यादा ऑफेंड होने वाली हो, लेकिन ये तुम्हारे ही काम की वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। समझी क्या? अब मैं वही बताना चाहूंगा, जिसके अंदर सहन करने की शक्ति ऊपर वाले ने ना दे रखी हो तो वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। नहीं क्या मतलब, वीडियो का एंड होते होते तुम ऑफेंड हो जाओगे और मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपने घर के संस्कार दिखाओगे। तो इससे बेहतर है हमारे इंडिया के सो कॉल्ड रोस्टर्स का टिकटॉक के ऊपर वीडियो आ गया, जाओ जाकर वो देख लो। लेकिन रुको रुको, एक ऐप के बारे में जान जाओ। हाँ तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नॉस्ट्रा गेमिंग ऐप। इस ऐप में आप गेम प्रेडिक्शंस करके लाखों रुपए जीत सकते हैं। अगर आप गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो ऐप की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ऐप को डाउनलोड करो, और अगर मेरे लिंक से जाओगे तो तुमको 100 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। सो गो एंड चेक आउट। हाँ तो यार, आप लोगों ने अक्सर ये बात को सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि कुछ ग्रुप्स में लड़कियों की फोटो शेयर होती है और उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लोग लिंक मांगते हैं। भाई वो दिल्ली वाली लड़की का लिंक देना, अरे भाई वो मुंबई वाली लड़की का लिंक देना। अब मेरे को आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये लिंक किस प्रकार की होती है। हिलाते बिट्टे। फिर भी अगर तुम इनोसेंट वाली कैटेगरी से आते हो तो मैं तुमको बता देता हूँ, ये वो लिंक होती है जिनमें प्यार का आखिरी अंजाम छुपा होता है, और सिंपली समझो तो मियां खलीफा वाला काम छपा होता है। अब देखो यार, सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि जो भी इस तरीके की वीडियोस बनती हैं, जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे वायरल होती हैं, मैं सिंपली इंडियन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। देखो यार, इंडिया में ये वीडियोस देखने या फिर बनाना दोनों की दोनों बैन है। हाँ लेकिन अगर तुम सेंसर बोर्ड से परमिशन लेके बनाते हो तो चलता है, उनके कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, उनको फॉलो करके तुम इस चीज को बना सकते हो। लेकिन मैं सेंसर बोर्ड वाली वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो वेबकैम से या फिर मोबाइल से शूट होती हैं। देखो यार, इस तरीके की जो वीडियोस होती है ना, वो सिंपली तीन कारणों से बनती हैं। पहला तो लड़की खुद बनवाती है अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल होके, दूसरी कंडीशन में लड़का धोखा देके बनाता, मतलब कैमरा वैमरा छुपा के बनाता है, और तीसरी कंडीशन में ये होटल वाले अपने पंखे की गांड में जब कैमरा घुसा देते हैं वहां से निकल के आती हैं। और देखो, इन तीनों कंडीशंस में एक इनोसेंट की ऐसी तैसी होती है। फॉर एग्जांपल, लड़की खुद बनवा रही है एज अ ट्रस्ट करके, एंड अगर लड़का उसको वायरल कर देता तो इनडायरेक्टली लड़की के साथ ही गलत हुआ। सेकंड कंडीशन में तो साफ साफ लड़की के साथ गलत हो रहा है, और थर्ड कंडीशन में ये चीज तीसरा बंदा कर दे रहा है जो दो लोगों की प्राइवेट फीलिंग्स को पब्लिक में शेयर करवा रहा है, मतलब अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यहाँ लावड़ गांव में एक लड़की का MMS वायरल हुआ, इसके बाद लड़की ने खुदकुशी कर ली। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से बेहद ही दर्दनाक खबर आई। एक महिला के साथ रेप किया गया और रेप का वीडियो बनाया गया, वीडियो को व्हाट्सएप पर जारी कर दिया गया। बदनामी के डर से महिला ने खुदकुशी करके जान दे दी। An 18-year-old school girl and her boyfriend allegedly committed suicide after video clippings of her kissing a classmate were posted on the internet. देखो, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा, और ये बेरोजगारी मेल और फीमेल दोनों के ऊपर लागू होती है। अब देखो, अगर कोई लड़की बेरोजगारी की सीमा पर होती है तो वो क्या करती है? टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है, और किस तरीके की वीडियोस बनाती है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब सेकंड नंबर पे आते हैं वो लड़के जिनका दीन ईमान तो कुछ होता नहीं है, मेहनत इनसे होना नहीं है, पढ़े लिखे ये है नहीं, करें तो करे क्या, तो ये आइडियाज लगाते हैं। पहला आइडिया इनका ये होता है कि अगर इनकी शक्ल अच्छी होगी तो ये किसी लड़की को सेट करेंगे और उसी का MMS बनाकर उसको धमकाएंगे। वो फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकता है, वो पैसों के लिए भी हो सकता है, वो इनके हालात और इनकी हवस तय करती है कि ये लड़की को किस तरीके से धमकाएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लड़के जो यहाँ वहाँ कैमरा सेट कर देते हैं, किसी कपल का वीडियो निकालने के लिए, किसी के नहाते हुए वीडियो निकालने के लिए, यहाँ तक ये लोग के ट्रेन और बस में भी नहीं रुकते हैं। इस तरीके की वीडियो को शूट करने के बाद इधर उधर के प्लेटफॉर्म पे उनको बेच देते हैं या फिर उनको वायरल कर देते हैं, मतलब थोड़े से पैसे के लिए या फिर थोड़े से फन के लिए या फिर किसी से बदला लेने के लिए किसी की भी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो 10 में से 4 लड़कियां इसी चीज के डिप्रेशन में आके सुसाइड करती हैं। देखो यार, ना मैं लड़की को समझाना चाहता हूँ, ना मैं लड़के को समझाना चाहता हूँ, मैं सिंपली आप ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ। जब भी आपको कुछ इस तरीके की वीडियो दिखे ना, उसको इग्नोर मारिए, उसको रिपोर्ट मारिए अगर हो सके तो, बट अपने थोड़े से सेटिस्फेक्शन के लिए उसको वायरल ना करें। हाँ मैं मानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी फैंटेसीज होती हैं, लेकिन देखो तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी फैंटेसी को कंप्लीट करने वाले एक्टर्स या एक्ट्रेस लगे हुए हैं, तो जाकर उनके वीडियोस को देख के अपनी फैंटेसी मिटाओ ना जो तुम्हारे इसी काम में लगे हुए हैं। हिलाते बिट्टे। देखो यार, कोई कपल होटल में जाता है वो मैरिड भी हो सकता है, वो अनमैरिड भी हो सकता है, बट अगर कोई चोद होटल वाला इस तरीके की वीडियो को वायरल कर देता है उनके कमरे में कैमरा लगा के, तो इसमें उन कपल्स की क्या गलती है यार? गलती तो होटल की है। और साथ ही अगर कोई लड़की का कोई छुपके MMS बना रहा है तो इसमें उस लड़की की क्या गलती है यार? उसको पता ही नहीं है कि बैक साइड उसके साथ क्या हो रहा है। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप प्लीज इन चीजों पर रोक लगाएं, हो सके तो ऐसी लिंक्स को या वीडियोस को शेयर ना करें। एंड थोड़ी सी बात लड़कियों को भी समझाना चाहूंगा कि देखो भाई, दुनिया में बहुत तरीके के लड़के होते हैं, फक बॉयज छोड़ के, शक्ल छोड़ के जरा दिल वालों से दिल लगाओ। भले ही तुम उसके साथ DSLR वाले पिक नहीं डाल पाओगी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, बट जो रियल मोहब्बत होती ना वो तुमको जरूर मिलेगी उससे। नहीं, एक तो इस बॉलीवुड ने और टिकटॉक ने लड़कियों के दिमाग में ये अच्छे से बिठा दिया है कि अगर तुमको सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो तुम्हारे पास अच्छे लेवल का बॉयफ्रेंड होना चाहिए जो दिखने में हैंडसम हो, जिसके पास KTM हो और बाप का ATM हो।
मतलब कुल मिला के इनके सपनों का राजकुमार टिकटॉक वाला छक्का ही बनेगा और ऐसी फक बॉय इनका चूक काट के जाते हैं और आगे चल गई फेमिनिस्ट बन जाती है। उसके बाद आ जाती सारे के सारे लड़की एक जैसे होते हैं। अजी लोटा मेरे एक जैसे होते हैं, फक बॉय के साथ रिलेशनशिप में जाओगी ना तो ऐसे ही चुहेंगा। नहीं सीरियसली इंडिया की आधी से ज्यादा लड़कियां ये टिकटॉक वालों को अपना क्रश मानती है और बाकी बच्ची हुई मेरे ऐसे लड़कों को ढूंढ रही है। ये बात सुनने में कड़वी जरूर लगेगी बट ये सच है। नहीं सीरियसली लड़कियों मैं तुमको समझाना चाहूंगा, जो तुम ये टिकटॉक वालों को अपना क्रश मानती हो ना, तुम इनको क्रश नहीं मानती हो। इनके मुंह पे जो फिल्टर लगे हुए हैं, जो ये कपड़े पहने हुए हैं, जो ये फॉलोइंग रखे हुए हैं, तुम उसको क्रश मानती हो। क्योंकि टिकटॉक वीडियो को तो 100 फॉलोअर वाला भी अच्छी बना लेता है, पर तुम्हें तो प्याज भाई और पिस्सू भाई पसंद है। बहुत क्यूट है जी टोड़ा मेरा, क्यूट है। 10-10 फिल्टर लगा के 1-1 किलो मेकअप करके थोड़े ढंग के ब्रांडेड फर्स्ट कॉपी कपड़े पहन के हर कोई स्मार्ट लग जाता है। और जो भी लड़कियां इन लड़कों को क्यूट बोलती है ना, ये एक्चुअली इनको क्यूट नहीं बोलती, इनके फॉलोअर्स को क्यूट बोलती है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तो सिंपली मैं लड़कियों को यही समझाना चाहूंगा कि ये गुड लुक छोड़ के गुड दिल पे ध्यान दो और है ना, ये 4 दिन के जुम्मा प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप के 20 साल का भरोसा मत तोड़ा करो। थोड़ा सा सबर रख लो, सबको सब मिलना है, हर चीज का वक्त आता है तब लेना। और मेरे को बताने की जरूरत है नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज सही लड़कों को चुनो और जुम्मा 4 दिन के प्यार में ये सब कांड मत करती बैठो, वरना होगा कुछ नहीं। माँ बाप ने सपने देखे होंगे कि बेटी बड़ी होके IPS बनेगी और बेटी क्या बना रही है बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। देखो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज जब भी तुम्हें इस तरीके की वीडियोस दिखे ना उनको सीधा डिलीट मार दो, हो सके तो रिपोर्ट मार दो। और अगर दोनों चीजें नहीं कर सकते तो प्लीज उस वीडियो को शेयर मत करो, क्योंकि देखो यार जिसने भी इस वीडियो को बनाया उसने लड़की की इज्जत से तो खेल ही है। इस तरीके की वीडियो को शेयर करके तुम और उस लड़की की इज्जत के साथ खेल रहे हो। देखो यार तुम भी अगर इस तरीके काम करते हो तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, ये वीडियो तुम लोगों को ऑफेंड करने के लिए नहीं थी। टाइम लगता है हर चीज में, तुमको किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और अगर सच बताऊं तो हाँ, मैंने भी इस तरीके की कई वीडियोस को शेयर किया है, मैंने भी कई जगह पे लिंक्स मांगी है। जब मेरे को समझ में आया और इस टॉपिक के ऊपर मैंने रिसर्च करी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था और इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। सो प्लीज यार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हम किसी की इज्जत के साथ ना खेलें, इतना प्रॉमिस मेरे से कर दो। देखो यार आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा लाइट लगी होगी तुमको, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ भी पॉइंट्स को नहीं रखा है। मैं चाहता तो बहुत ज्यादा हैवी पॉइंट्स को रख सकता था, वीडियो को काफी सीरियस बना सकता था और मैं तुमको डीप में भी समझा सकता था, बट वीडियो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाती। जब मैं फेस कैम चालू करूंगा तो मैं पक्का पूरा डीप में समझाते हुए एक सेंसिटिव वीडियो बना दूंगा। बट उससे पहले प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज मेरी बात को मान लेना, प्लीज कमेंट कर देना वीडियो का मेन इंटेंशन तुमको समझ में आया या फिर नहीं, हाँ या ना, प्लीज कमेंट कर देना। वीडियो को शेयर करो क्योंकि आई नो YouTube इस वीडियो को रीच रोक देगा, येलो साइन डॉलर लगा देगा, वीडियो आगे जाएगी नहीं। प्लीज वीडियो को शेयर करो और अगर तुम Instagram पे शेयर करते हो तो प्लीज सम्राट भाई ऑफिशियल पे मेरे को मेंशन कर दो, तो मेरी स्टोरी लगाना मैं तुम्हारी स्टोरी लगाऊंगा, हम एक पारिवारिक माहौल बनाएंगे। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करके बताओ एंड हाँ वीडियो को शेयर करो। मजे ले ले लाला आजा मेरे शो पे, किल करूं बीट पे जब मिलते मुझे मौके। आई नो कि आप में से कई लोग मेरे को भोपाल से देखते हैं एंड मेरे को प्रॉपर भोपाल का भी समझते हैं, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं प्रॉपर भोपाल का नहीं हूँ। तो आप में से कई लोग कमेंट्स में या फिर DM में मेरे को बोलते रहते हैं सम्राट भाई मिलना है, सम्राट भाई मिलना है। तो मैं भोपाल में एक मीटअप प्लान कर रहा हूँ, अगर तुम भोपाल के हो तो प्लीज आके मुझे Instagram पे मैसेज करो, सही लोकेशन बताओ कहाँ पे मीटअप कर सकते हैं एंड किस दिन कर सकते हैं, तो तुम लोगों के बताने के हिसाब से मैं मीटअप प्लान करूंगा। तो मेरे को Instagram पे आके बता दो कि कौन सी लोकेशन सही रहेगी, सीरियसली मैंने पूरा भोपाल नहीं देखा है अभी। तो ठीक है भाई, YouTube फैमिली आज के वीडियो पे खत्म करते हैं, खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना सम्राट, सबकी आंखों पे परदे, घूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे, नंगे पन में आजाद ये औरतें, मैं सीखूं मूसा से बोले नादिर फिरौन है। पड़ गए सबकी आंखों पे परदे, घूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे, जड़ों तक पूरी तरह से तक